फ्रेंड्स, हम तुम ब्लॉग स्पॉट में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कच्चे आम का अचार। मैंने कच्चे आम को काट के छोटा छोटा पीसेस आप देख सकते हैं, मैंने इसको 2 से 3 घंटे धूप में रख दिया था। अब हम इसमें क्या करेंगे, नमक और हल्दी इसे डाल के रात भर के लिए छोड़ देंगे। ये आपका नमक हो गया और ये आपकी हल्दी हो गई। इसे हम मिक्स कर देंगे प्रॉपर। मैंने इसमें पूरी तरीके से सब मसाले मिक्स कर लिए। अब मैं इसे रात भर के लिए इसे ढक के छोड़ दूंगी। तो आइए अब हम दिखाते हैं कि अचार में कौन कौन से मसाले रहेंगे। जिसमें से मैंने लाल मिर्ची ले रखी है, ये आपकी 10-12 हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। सौंफ है 4 चम्मच, ये आपका जीरा है 1 चम्मच, हींग है 1/2 चम्मच, मेथी दाना है जो कि आपका 1 चम्मच, और ये आपका धनिया है, ये मैंने 3 चम्मच ले रखा। अब हम सारे अपने मसालों को रोस्ट कर रहे हैं। रोस्ट करने के बाद फिर इन्हें हम मिक्सर में पीस लेंगे। मैंने मसाले को ये देखिए दरदरा पीस लिया है। मैंने इसे सिर्फ 1 मिनट तक ही बस भूना है। अब इसे आप देख सकते हैं पास से भी कि ये कितना दरदरा मैंने पीसा है। अब हम इस मसाले को थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें मिक्स कर लिया। अब हम इसमें हींग डालेंगे। और अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने तेल को गर्म करके ठंडा किया है, फिर मैं इसमें इसको मिलाऊंगी। अब आपको धीरे धीरे से प्रॉपरली मिला के आप किसी जार में डाल के 2 से 3 दिन इसे धूप दिखा के आप अचार खाना शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको एक जरूरी बात और बताना चाहूंगी कि अगर आप जैसे अचार बना के, कोई भी अचार कभी भी आप बनाइए, तो उसे शीशे के जार में या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन में रखिए। उससे अचार हमारा लंबे टाइम तक चल। अगर आप लोगों को मेरा अचार बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।